हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आपका काफ़ी स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सब इस कोविड के पेंडेमिक में काफ़ी हेल्दी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अपने घरों के अंदर। तो हमारे पास जेई मेन्स हमारे स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जामिनेशन है साहब काफ़ी पास आ गई हैं, तो उस केस के अंदर आपके केमिस्ट्री को एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने जो लास्ट हमने वीडियो में बात भी करी थी कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल और इनऑर्गेनिक सबकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैंने और आपका सोचा है कि अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, तो क्लास 12 के रिगार्डिंग आपके लिए केमिस्ट्री के लिए कुछ अच्छे टिप्स और कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको बता दूं जो कि एनालिसिस करके जो आपके बोर्ड्स में काफी हेल्प करेगा। तो बेसिकली आज के वीडियो में मेनली आज हम लोगों ने बताया भी था आइसोमेरिज्म के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, कि किन कॉन्सेप्ट्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं पेपर के अंदर और किस कॉन्सेप्ट्स को हमें जरूर से जरूर करके जाना चाहिए, और उसके ऊपर कुछ मोस्ट प्रोबेबल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली चलिए आज के वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें आज के वीडियो में आइसोमेरिज्म के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ सेकंड इज द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म एंड परसेंटेज इनॉल। ये दो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, परसेंटेज इनॉल जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके ऊपर हम लोग कुछ काफी क्वेश्चन आते भी है जेई मेन्स के अंदर। आइसोटोपिक एक्सचेंज, ये एक जेई मेन्स का भी काफी अच्छा फेवरेट टॉपिक है, और ये वाला तो मतलब नीट का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। नीट इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस टॉपिक के अंदर, नीट वाले और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इस वाले के अंदर। ये जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। अगर जेई एडवांस को आइसोमेरिज में से कहीं से कुछ पूछना होता है तो वो सबसे पहले आइसोटॉपिक एक्सचेंज को प्रेफर करता है। नाउ कंपाउंड स्वइंग जी आई एंड इजेड रूल, आपको ये पता होना चाहिए। आपको अगर जी आई देखना है तो जी आई 15 मिनट के अंदर में जो हमारे चैनल पे लेक्चर है प्रॉपर जी आई के ऊपर, वो आप देखिए। उसके बाद मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि मतलब उस वीडियो को देखने के बाद आप जी आई का कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं छूटेगा। अगर ज्योमेट्रिकल से क्वेश्चन आया तो आप श्योर श्योर उसे करके आ रहे होंगे और सही से आपको 4 नंबर मिलेंगे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जी आई, फिशर प्रोजेक्शन हमारे पास ऑप्टिकल का पार्ट है, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंट्रल ऑफ सिमेट्री। नाउ काइरल मॉलिक्यूल्स, काइरल सेंटर्स, इनेंसियोमर्स, डाइस्टेरियोमर्स एंड मीजो कंपाउंड्स। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो आपको जरूर से जरूर करके जाने चाहिए। जब आप ये सारे टॉपिक्स करके जाते हैं तो फिर आपके पास आइसोमेरिज के अंदर कुछ बचता नहीं है। इसके बाहर से क्वेश्चन आइसोमेरिज में ना जेई में आया है, ना ही नीट में आया है, ना ही किसी भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग में आया है। ये आपके बहुत ही ऐसे टॉपिक्स, अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट भी नहीं करा तो आप यही टॉपिक्स को रिविजन करके जाए, इसे अपने चेकलिस्ट के तौर पर यूज करें कि हाँ मैंने ये टॉपिक कंप्लीट करा है। तो आप इस तरह से चेकलिस्ट के तौर पर इसे देख सकते हैं। नाउ अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला। जैसे कि आपको C5H12 दिया हुआ है, दिस इज आवर C5H12, तो इसके कितने होंगे? तो एक तो ये हो जाएगा, एक आपके पास ये हो जाएगा, और एक आपके पास जब आप डिस्कस कर रहे होंगे इसे तो एक आप ये बना सकते हैं। ये आपके पास C5H12 के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। सिमिलरली C6H12 की आप जब बात कर रहे होंगे तो इसके आपके पास 6 बन रहे होंगे, तो इसके 5 बनेंगे, सॉरी। तो ये तो आपके हो गए कि स्ट्रक्चर आइसोमर सिंपल सिंपल। इसी तरह से वो पूछते हैं अगर आपसे परसेंटेज इनॉल, ये एक काफी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज इनॉल की, तो ये थ्योरी है थोड़ी सी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि कैसे ये डिपेंड करता है, उसके बाद हम क्वेश्चन देख रहे होंगे। परसेंट इनॉल ज्यादा कब होगा? जब हमारे पास जो बनने वाला इनॉल है वो एरोमेटिक बन रहा हो, हमारे पास जो बनने वाला जो हमें कीटो दिया गया है वो 1,3-dicarbonyl अगर दिया हुआ है, देन हमारे पास इनॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी। हमें साइक्लिक 1,2-dikeeto अगर दिया हुआ है तो हमारे पास बनने वाला इनॉल की परसेंटेज काफी ज्यादा होगी। उस केस के अंदर हम सेकेंड अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा।
इसके अंदर इसने फॉर्मेशन करा तो ये अल्कोहल फिनॉल बना, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स आए, यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड्स आए। तो इन्होंने बेसिकली पूछा कि परसेंटेज इनॉल ज्यादा किसका है। तो अभी अभी हमने बात करा कि परसेंटेज इनॉल उनका ज्यादा होगा अगर बनने वाला प्रोडक्ट एरोमेटिक हो। तो यहाँ से तो ये एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे इनॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर उसके बाद फिर हम कॉन्जुगेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे कोई फैक्टर हम लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पूरे में था, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बस यहाँ पे है। तो अगर परसेंटेज इनॉल उसके अकॉर्डिंग डिराइव करें तो परसेंटेज इनॉल हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ अगर हम आगे चले तो अगर जैसे ये क्वेश्चन नंबर थ्री में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर यहाँ पे एक दिया हुआ है, फाइव मेंबर का कार्बन की चेन है, उसके ऊपर टू और फोर पे हमारे पास कीटो ग्रुप लगा हुआ है। उस केस के अंदर सेकंड वाले में एक ही कीटो ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी आपको परसेंटेज इनॉल बताना है कि परसेंटेज इनॉल किसका ज्यादा हो। तो परसेंटेज इनॉल बेसिकली यहाँ पे आप ये थोड़ा सा आपको फेमिलियर लग रहा होगा, ये आपका एक्टिव मिथिलीन पोजिशन, इसे हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या फिर एक्टिव मिथिलीन पोजिशन। ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं आपके, ये काफी ज्यादा, ये वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं यार, यानी कि इसका कंपैरिजन आप एसिडिक एच से भी कर सकते हैं, ये इतने एसिडिक होते हैं। तो बेसिकली वहां से निकालने वाले एच, क्योंकि जब आप यहाँ से एच को, ये एच इजीली क्यों निकल जाता है, एसिडिक एच मतलब आप कितना जल्दी एच को रिमूव करते हैं, तो ये एच कितना इतनी जल्दी क्यों निकलता है, क्योंकि जब ये एच निकलता है तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होने वाला होता है ये पूरा का पूरा ऐसे लोकलाइज रेजोनेंस हो जाता है। यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पांच काइरल तक यहाँ पे पूरा पर कार्बन पर ये रेजोनेंस हो जाता है, इस वजह से ये एच काफी जल्दी रिलीज कर देता है। सो आप देख भी रहे होंगे, और जब आप ऐसे फॉर्मेशन करेंगे तो इस वाले हाइड्रोजन के चलते यहाँ पे एक एच बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो जो सिक्स मेंबर चिलेट फॉर्म कर देता है, जिस वजह से इसका इनॉल परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। तो ये तो हो गई हमारे लिए इनॉल की बात है। अब अगर आप बात करें कि चलिए यहाँ पे तो एक्टिव मिथिलीन थी, यहाँ पे नहीं थी, तो आपने वैसे डिस्कस करा, लेकिन क्या हो कि हमारे पास यहाँ पे भी एक्टिव मिथिलीन पोजीशन है, हमारे पास यहाँ पे भी एक्टिव मिथिलीन पोजीशन है, और हमारे पास यहाँ पे भी एक्टिव मिथिलीन पोजीशन है। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे, वैसे केसेस में ये कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे ये पूरी की तरफ पूरी तरह से यहाँ पे ये अपने ऊपर निर्भर है, यहाँ पे और कोई इसके साथ है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास दो कीटो ग्रुप है, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही कीटो ग्रुप है और ये मिथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे दोनों मिथॉक्सी ग्रुप है। इस केस के अंदर ये आपस में भी तो रेजोनेंस में होगा, और इसके ये वाले आपस में इधर भी रेजोनेंस में होंगे, तो इधर भी रेजोनेंस में होंगे, तो ये उस पर उतना कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा। तो बेसिकली अभी भी इसका रेजोनेंस ज्यादा बेटर है, तो उस केस के ऊपर से हम इसे कंपेयर ऐसे कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसे आप एक बार ध्यान में जरूर रखें। सो अगर फिफ्थ के ऊपर हम बात करें, तो फिफ्थ के अंदर वो बेसिकली पूछना चाहते हैं कि कौन से जीआई शो करते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको फिगर बना के दे दिया है, बट वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बाय नेम पूछेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉमन नेम्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, कि कॉमन नेम्स जब आप ध्यान में रखते हो तो आपको उसका फिगर माइंड में आता है। यहाँ पे तो अगर आपसे डायरेक्टली एसीटोन एंजाइम, एसीटोफेनोन ऑक्साइम, डाइईमाइड एंड ब्यूटेनोन ऑक्साइम की अगर बात करें, तो फिर आपको वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने कॉमन नेम्स ध्यान में नहीं रखा है और आपको उसके स्ट्रक्चर्स ध्यान में नहीं है तो। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो हम जानते हैं कि अगर हमें जीआई की बात करनी है तो आपको सी डबल बॉन्ड एन वाले भी कंपाउंड्स जीआई शो करते हैं, बट इसमें एक कंडीशन था कि ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये जो आपके पास तीन ग्रुप होते हैं, यहाँ पे तो एक लोन पेयर होता है, ये डिफरेंट होने चाहिए। तो इस केस के अंदर तो ये डिफरेंट नहीं है, तो ये तो नहीं देगा। इस केस के अंदर डिफरेंट है, ये जरूर शो करेगा जीआई। ये इमाइड, इमाइड जीआई शो करते हैं, ध्यान रखें इमाइड जीआई शो करते हैं। नाउ ब्यूटेन एंड ऑक्साइन, वो भी जीआई शो करते हैं। सो लाइक आप कैलकुलेशन ऑफ जीआई, यानी कि आपको बताना है कि किसका कितना जीआई बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये वाला एक आपके पास दिख रहा है जीआई का सेंटर, और एक ये सेंटर दिख रहा है, बट आपको दो सेंटर दिखा तो आप डायरेक्ट टू की पावर एन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इधर भी सेम का ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी सेम ग्रुप लगा। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि टू टू दी पावर टू तो करेंगे, बट आप माइनस वन भी कर रहे होंगे क्योंकि सेम लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आपको थ्री मिल रहा होगा।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली तीन आपके पास पाई बॉन्ड्स है, डायरेक्टली 2^3 कीजिए, आपको 8 स्ट्रक्चर्स मिल रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर, दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2^2 कीजिए, वी विल गेट द आंसर 4। अगर बात करते हैं सिमेट्री की, इसमें सिमेट्री है कि नहीं, अभी तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको सिमेट्री, तो इस केस के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी इधर प्लेन नहीं मिलेगा जो इसको डिवाइड कर रहा हो, आपको कोई भी सेंटर नहीं मिल रहा होगा जिस सेंटर के अलोंग से आपको इस सिमेट्री देखने, तो आप क्या करेंगे कि आप एक्सिस देखेंगे। जैसे अगर इस एक्सिस के दौरान देखें तो इस एक्सिस के दौरान आप अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो आपको एक सिमेट्री दिख रही होगी कार्बन के अलोंग। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई। अगर हम दूसरी की बात करें तो इस वाले कंपाउंड के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री फिर से कोई नहीं मिलेगा, आपको ऐसा कोई प्लेन नहीं मिल रहा हो जो सबको इक्वली कट करेगा, आपको कोई ऐसा सेंटर नहीं मिल रहा होगा कि जो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। तो आप क्या करोगे, आप फिर से इस एक्सिस को पकड़ोगे और फिर से इसको 180 डिग्री के लिए रोटेट करोगे, तो फिर से आपको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी। हम डबल AOS की बात नहीं करते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो JEE एडवांस का बहुत ही स्पेसिफिक पोर्शन होता है और उसमें भी बहुत सारे हमारे पास बाउंडेज होते हैं उस टॉपिक को लेकर, तो उस टॉपिक को लेकर हमारे पास क्वेश्चन अभी तक नहीं आता है, तो उसे हम रहने देते हैं, जब एडवांस के लिए हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में तो उसे हम जरूर कंसीडर करते हुए डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने आईएसओ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, GOC कंप्लीट कर लिया, IUPAC कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने लगभग रिएक्शन मैकेनिज्म ही अब हमारा बाकी है, उसके अलावा हमने सारे पोर्शंस को कंप्लीट कर लिया है। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिल रहा होगा, आपको फिर वैंडरवाल फोर्सेस और केमिकल बॉन्डिंग्स के ऊपर भी अभी एक दो वीडियो हमारे पास आने वाले हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आप डाउट आगे पूछिए, वहां पे 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग होती है। आपको क्विज दिया गया है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे क्विज है, जाके क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, तो और अपने प्रिपरेशन को काफी अच्छे से बूस्ट कीजिए। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।